हर हर महादेव दोस्तों, ये आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा ही किचन्स वगैरह के ही वीडियोस होते हैं, लेकिन ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है बाय द वे, बिकॉज हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, धनबाद से वृंदावन। काफ़ी लोगों का शौक़ होता है वृंदावन जाने का, शौक़ भी है, भक्ति भी है, बट हमारा हम लोग तो भक्ति में ही जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि ये छोटा सा बाइक ना हमारे पास BMW है और ना ही कुछ और है, हमारे पास बस पल्सर है 125, और हमें विश्वास है कि मुझे बिल्कुल करीब करीब यहाँ से 13-1400 किलोमीटर होगा जो कि हमें पहुँचाएगा। सो वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं कि आगे हमारा रास्ता में क्या क्या पड़ता है, बिकॉज़ ये हमारा भी पहला ट्रिप है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पता नहीं क्या क्या होगा, बट जो भी होगा वो आपके साथ ही होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं, धन्यवाद। तो बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पे तो पहुँचे, बट अब और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज आप सभी को दिख रहा होगा ये बारिश ने हमें रास्ते में रोक लिया है, और एक रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोग फिलहाल अभी बिहार के सासाराम में, और ये काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण टू व्हीलर चलना तो मुश्किल है। अभी आगे देखते हैं कितना देर तक हमें यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। कृपया वीडियो में बने रहिए, आगे का सफर भी मैं आपको दिखाता चलूँगा, धन्यवाद। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बनारस के घाट पे, बाबा विश्वनाथ आप देख सकते हैं चारों, और आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये बनारस के घाट, काफी फेमस घाट। हम जैसे भक्तों का एक सपना होता है इस जगह पे आने का, और मैं उन कुछ चंद सौभाग्यशालियों में से हूँ जिसे भी यहाँ पे आने का मौका मिला है। तो मनुष्य देवता जैसा, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुर जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की दो ही जाति है, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता,
तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि और न आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, अतः केवल भोग भोगने के लिए। इससे आगे क्या है, यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चार्वाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है तब तक रहे। ये नाग की लपटों को देख के आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ गया। तो ये विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे हमेशा इसी तरह का लाश जलते रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लाशें जल रही हैं और काफ़ी सारे वेटिंग में हैं। ये पूरा घाट मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये भोर का समय है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और उस समय का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस नज़ारे को कैप्चर करने के लिए मैं पूरे रात इसी घाट पर रहा क्योंकि सूर्योदय का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है बनारस के घाट पे। ये आप देख सकते हैं कि सूर्योदय अभी भी हुआ नहीं है।
हर महादेव। हेलो।